सिटी न्यूज झारखंड वप्पा है झारखंड की तमाम खबरें। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज डाल्टनगंज शहर के हृदय स्थल छमुहान चौक पर कांग्रेस पार्टी पलामू ने जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने सभा को संबोधित किया। मौके पर मौजूद पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयस रंजन पाठक ने कहा कि महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। 14 नवंबर से पूरे दिसंबर माह तक यह अभियान चलेगी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जन तक उनके कारनामे पहुंचाना है। पलामू जिला कांग्रेस के द्वारा तमाम पलामू जिला के 265 पंचायत गांव टोला में भी यह अभियान चलाया जाएगा और महंगाई के बारे में लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महंगाई के खिलाफ जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है जो 14 नवंबर से पूरे दिसंबर माह तक चलेगी और इसका मेन उद्देश्य है लोग जन जन तक पहुंचेंगे। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तमाम पलामू जिला के 265 पंचायतों में गांवों में टोला में जन जन तक पहुंचकर महंगाई के खिलाफ हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। देश की जो सरकार है लोगों को छलने का काम किया, महंगाई का जिस प्रकार बोझ दिया है उसको लेकर हम लोग पूरे ईमानदारी पूर्वक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जन जागरण अभियान जो चालू किया गया है 14 तारीख से लेकर लास्ट दिसंबर तक, हम लोगों ने पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जन जागरण अभियान का यह आज 16वां दिन है और यह पूरे पंचायत टोला कस्बा में जाकर नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ जितना उन्होंने हर चीज़ में डीजल पेट्रोल गैस हर चीज़ में महंगाई का दाम आसमान छुआ दिया है, गरीब को इसके उनके बारे में जन जन तक को बताना है कि नरेंद्र भाई मोदी से कैसे मुक्ति पाइएगा और कांग्रेस के साथ जुड़िए और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कराइए। इसके आदरणीय नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पिछले 14 नवंबर से हम लोग जन जागरण अभियान इस ज़िले में सफलतापूर्वक हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं और यह उद्देश्य बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में महंगाई बेरोजगारी और किसानों की अनदेखी की है और आज देश की अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत कर दी है कि आज व्यवसायी नौजवान बेरोजगार मजदूर किसान सभी त्रस्त हैं। कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है लेकिन हम विपक्ष में भले रहे हों लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानते हैं और आज हम लोग पूरे ज़िले स्तर पर आम जनों को यह बताने का काम कर रहे हैं और पिछले दिनों के जनजागरण अभियान में जो बातें सामने आई है पलामू ज़िले की तमाम जनता आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक है, सड़क पर उतर चुकी है और आने वाले दिन में सिर्फ और सिर्फ लोगों की निगाहें सिर्फ कांग्रेस पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिकी है।